पब्लिक टीवी आपकी आवाज। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ मुरादाबाद की ACJM 5 की अदालत में वारंट जारी हुआ है। कोर्ट ने तारीख पर न आने के कारण कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया। 20 अगस्त 2022 को ACJM 5 की कोर्ट में पेश होने के लिए अदालत ने अमीषा पटेल के खिलाफ वारंट जारी किया है। अमीषा पटेल और उसके सहयोगियों पर 11 लाख रुपए लेने के बावजूद कार्यक्रम में न आने का आरोप भी लगा है। मुरादाबाद से ये बॉलीवुड जगत से जुड़ी हुई खबर आ रही है, जिसमें अमीषा पटेल के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। 16 नवंबर 2017 को मुरादाबाद में एक शादी के कार्यक्रम में डांस करने अमीषा पटेल को आना था, लेकिन 11 लाख रुपए एडवांस लेने के बाद भी वो नहीं पहुंची। ड्रीम विजन इवेंट कंपनी के मालिक पवन कुमार वर्मा ने अमीषा पटेल के खिलाफ की थी शिकायत। अमीषा पटेल पर मुरादाबाद में धारा 120 बी 406 504 और 506 IPC के तहत मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। स्मार्ट साउंड। मेरा नाम पवन वर्मा है, मैं एक ड्रीम विजन के नाम से इवेंट कंपनी चलाता हूं। 2017 में अभिनेत्री अमीषा पटेल को मैंने एक शादी में डांस करने के लिए बुलाया गया था, जहां उनकी जो 11 लाख रुपए की फीस थी, जिसमें आने जाने का खर्चा, होटल रहना, डांस शो सब कुछ था, वो हमने उनको अदा कर दी थी। उसके बाद वो हमारे टिकट से जो है एयर टिकट से दिल्ली आई, JW मेरिट होटल में हमने 5 स्टार में उनको ठहराया। वहाँ पे वो ठहरी, उन्होंने लंच भी किया। उसके बाद उनके सहयोगी सुरेश परमार मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि मैडम कह रही हैं कि आप 2 लाख रुपए और दीजिए, तब हम मुरादाबाद आएंगे। मैंने पूछा क्यों, तो वो कहते हैं आपने हमसे कहा था मुरादाबाद जो है 3-3.5 घंटे लगते हैं पहुँचने के, लेकिन यहाँ हमें बता रहे हैं 6-7 घंटे लगेंगे। मैडम कह रही हैं अगर 3 घंटे में हम पहुँच जाएंगे तो आपको 2 लाख रुपये वापस कर देंगे, वरना हम नहीं आएंगे। मैंने कहा जिनके यहाँ शादी है, आप बताइए मैं कैसे उनसे 2 लाख रुपए और मांग लूं। उन्होंने एक नहीं मानी, बिना बताए वो वहां से चली गई, ना ही चेकआउट की फॉर्मेलिटी करके गई। JW मेरिट होटल ने हमें इस बात की एक मेल भी की है, जिसमें लिखा है कि आपके जो गेस्ट हैं अमीषा पटेल, बिना चेकआउट की फॉर्मेलिटी किए यहां से चली गई, उनके स्टाफ का भी बिहेवियर अच्छा नहीं था। उसके बाद हमने यहाँ पे अपने अधिवक्ता पंकज शर्मा जी के जरिए कोर्ट में एक कंप्लेंट केस दायर किया, जिसमें 2019 में कोर्ट ने आदेशित किया, विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कई बार सम्मन भेजने के बावजूद भी वो कोर्ट में नहीं आई। आज जो है माननीय कोर्ट ने जो है उनके खिलाफ जो है जमानती वारंट 20,000 रुपये के जारी किए हैं। इससे पहले हम हाई कोर्ट भी जा चुके हैं, हाई कोर्ट ने भी आदेशित किया था कि बोले इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, लेकिन उन्होंने इसमें कुछ भी नहीं किया, वो आज तक वहाँ पहुँची नहीं कभी भी। प्रकरण ये है कि पवन वर्मा के द्वारा वर्ष 2017 में एक परिवाद आयोजित किया गया था अमीषा पटेल व उसके सहयोगियों के विरुद्ध, जिसमें वर्ष 2019 में न्यायालय ने अमीषा पटेल व उसके सहयोगियों को 406, 420, 504, 506, 120 भी IPC में समन किया था। तब से लगातार ये पैरवी कर रहे थे, बजरिए समन तलब फरमाया जा रहा था, लेकिन ये नहीं हुए, अपियर नहीं हुए ये लोग। उसके बाद हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद गए, जहाँ से अतिशीघ्र अतिशीघ्र मुकदमे के निस्तारण हेतु आदेश प्राप्त हुआ। तत्पश्चात आज न्यायालय के समक्ष जब हम उपस्थित हुए और हमने प्रार्थना की न्यायालय से, तो न्यायालय के द्वारा अमीषा पटेल व उसके सहयोगियों के विरुद्ध जमानती वारंट 20,000 रुपये के किए गए हैं। अब आगे क्या कार्रवाई? 20 अगस्त 2022 लगी है। 20 अगस्त 2022 को यदि अमीषा पटेल व उसके सहयोगी उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ न्यायालय गैर जमानती वारंट जारी करेगा, फिर पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार करके मुरादाबाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।